बिस्मिल्लाह रहमान रहीम CS614 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि फ़ाइनल टर्म के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को उन 45 लेक्चर में से इन कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर आप इनको जो है अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेंगे तो आपका जो है 80-90% जो पेपर है वो इसी से सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो इतनी मेहनत होती है उसका एक छोटा सा इनाम होता है आपकी तरफ से, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है हाउ टू इम्प्रूव द डेटा क्वालिटी। हम डेटा क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर्स में ये आया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर एक बार जो है पढ़ लीजिएगा। अगर ये आपको 2 मार्क्स का आता है तो 2 लाइन्स अगर आप लिखते हैं तो ईजीली जो है वो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद है मिसकंसेप्शंस ऑन डाटा क्वालिटी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है शॉर्ट है। ये दोनों क्वेश्चंस शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं तो आप इनको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। लेक्चर 24 एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फाइनल टर्म के लिए। इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो पेपर है वो आपका फाइनल टर्म में आता है, तो आप इसको इसके MCQs भी इसको इस लेक्चर को ज़रूर एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि इसमें से शॉर्ट लॉन्ग जो भी आए तो आप ईजीली जो है इसको कवर कर लें। पाइपलाइनिंग स्पीड अप कैलकुलेशन, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स का आता है और काफ़ी ज़्यादा पास्ट पेपर्स में आया है। 7 पास्ट पेपर्स मैंने ऐसे देखे थे जिसमें पाइपलाइनिंग स्पीड अप कैलकुलेशन जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अब इसको भी ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। कन्वेंशनल इंडेक्सेस बेसिक टाइप्स, इसकी टाइप्स को अगर आप जो है नेम्स याद कर लेंगे तो शॉर्ट में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके टाइप्स के नेम जो हैं वो आते हैं। उसके बाद है हैश बेस्ड इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है और बहुत ज़्यादा आया है। इसको कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी और शॉर्ट में या लॉन्ग में आएगा तो आप इजीली जो है इसको कर लेंगे। इन्वर्टेड इंडेक्स, 5-बिट मैप, इंडेक्स क्लस्टर, इंडेक्स जॉइन इंडेक्सेस, ये जो हैं इंडेक्स वाले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आते हैं। कोई भी वो आपको एक दे देते हैं और उसको आपने 2 मार्क्स का आ जाता है तो आपने 2 लाइन्स में इसको लिखना होता है। उसके बाद है डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है। 5-6 पास्ट पेपर्स में ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ। उसके बाद है क्लॉड सेनोन्स इन्फो थ्योरी, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है और ये भी बहुत ज़्यादा आया है। जो क्लस्टरिंग है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है और ये मस्ट जो है 10 ईयर्स पास्ट पेपर में मैंने देखा है कि इसके मुतलिक बहुत ज़्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। उसके बाद है DWH डेवलपमेंट साइकिल, ये लॉन्ग में आता है, ज़्यादातर ये पास्ट पेपर्स में जो है लॉन्ग में आया हुआ है। उसके बाद है बिजनेस डिमेंशनल लाइफ साइकिल, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा आया है, ये भी 5 मार्क्स का आता है। 5-6 लाइन्स जो है आप इसकी याद कर लीजिएगा और 5-6 लाइन्स अगर आप लिखते हैं तो इंशाल्लाह जो है वो आपको इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। साइंस ऑफ ट्रबल पेज नंबर 299 पे ये क्वेश्चन है टॉपिक, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पिटफॉल है सर्चिंग फॉर द सिल्वर बुलेट, ठीक है। पिटफॉल अगर आप देखेंगे तो आपका ये लेक्चर है शायद लेक्चर नंबर 25 से 30 के दरमियान में है ये लेक्चर है और इसका भी काफ़ी ज़्यादा जो है फास्ट पेपर में आया, 6-7 पास्ट पेपर में है जो क्वेश्चन है वो आया है। उसके अलावा जो है कॉमन डेटा वेयर हाउस मिस्टेक्स टू अवॉइड, ये क्वेश्चन है लेक्चर में आपको ईजिली ये टॉपिक मिल जाएगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यही 2-3 पास्ट पेपर में आया लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वेब वेयर हाउसिंग है, ये जो है ये 5-6 पास्ट पेपर्स में आया है 2 मार्क्स का। वेब वेयर हाउसिंग या फिर इसके इसी टॉपिक का जो है 2-3 क्वेश्चन इसी टॉपिक के जो हैं वो आए हैं, तो आप इस टॉपिक को पढ़ लिया जाएगा। प्रॉक्सी सर्वर प्रॉब्लम्स हैं, ये भी आया हुआ है, ये 2 मार्क्स का आया है, ये भी 4-5 पास्ट पेपर्स में ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये आया है, ठीक है। अगर आप इन 45 लेक्चर्स में से इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो उम्मीद है कि 80-90% जो पेपर है वो आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।